लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए, 21 लाख के घपले घोटाले। जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं मित्रों, एक भी आरोप। और 21 पार्टियां, 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले घोटाले भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी, और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? और ये सारी पार्टियां, ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई, इनके मन में मेवाड़ वालों आपका भला नहीं है, इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदय नदी को मुख्यमंत्री बनाना, और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, ये आपका भला कर सकते हैं भाई? जरा जोर से बोलो भाई, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है, या जो देश के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है? ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है मित्रों। अब कर जैसा होगा ऐसा संस्कार